जिंदाबाद जिंदाबाद। ठेकेदारी प्रथा रद्द करो रद्द करो रद्द करो। नमस्कार, मैं राखी, आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 42 के पार्क में, जहाँ CTU जो चंडीगढ़ CTU वर्कर्स हैं, उन्होंने आज एक यहाँ पे रोष प्रदर्शन किया है। और ये रोष प्रदर्शन 1500 कॉन्ट्रेक्चुअल जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर एक गाज थोप दिया गया है। आइए जानते हैं जो CTU के प्रधान हैं कि ये आखिर आज का मुद्दा क्या है, क्यों ये हराश नज़र आ रहे हैं और रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रंजीत मिश्रा जी, जो हमें बताएंगे कि आज ये जो प्रदर्शन किया गया है उसकी मेन जो कारण है वो क्या है। हाँ मैम, आपके चैनल का मैं दिल की गहराइयों से सभी कर्मचारियों का सभी धन्यवाद करूँगा जो आप लोगों ने इनके दुख दर्द को अफसरों तक पहुँचाने का काम किया है। मैडम, मैं बताना चाहूँगा कि ये CTU के कर्मचारी हैं, जिसमें पीछे आप देख रहे होंगे बैठे हैं, ये तकरीबन 18 से 2000 कर्मचारी हैं। और मैं आपके माध्यम से उन शहरवासियों को और उन अफसरों को बताना चाहूँगा कि ये वही कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने अपने बच्चों की, परिवार की जान जोखिम में डाल के, अपनी खुद की जान जोखिम में डाल के कोरोना काल में पूरे शहरवासियों को सब्जी और राशन पहुँचाने का काम किया। शायद इनका दुख दर्द हमारा होना चाहिए। इनके साथ जो इस तरीके का हालात है कि हर साल टेंडर चेंज होता है और हर साल कोई न कोई एक नया ठेकेदार आ जाता है और वो अपनी मनमानी करता है, कोई सिक्योरिटी के नाम पे कई करोड़ रुपए जमा करा लेता है और कोई पैसे इनको बैकडोर एंट्री लेने के लिए ऐसे ऐसे 40-40 पेज का कंडीशन लगा देता है। क्या कंडीशन है आज की जिसकी वजह से आज लोग सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? सभी आउट ऑफ वे हैं। मैं आपके माध्यम से बता दूं उन अफसरों को कि जब जैम पोर्टल पे टर्म एंड कंडीशन कर्मचारियों के भी और प्रशासन के भी और ठेकेदार के भी सारे जैम पोर्टल पे चढ़ा दिए जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन कर्मचारियों से ऐसे ही इस तरीके का जो टर्म एंड कंडीशन लगाना चाहिए कि आप यूनियन ज्वाइन करोगे। ऑलरेडी इनका यूनियन है, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम जो हैं उनकी यूनियन CTU की बनी हुई है। क्या वो यूनियन छोड़ देंगे, जिसके माध्यम से ये ट्रेड यूनियन है, गवर्नमेंट ने हमें अधिकार दिया है और इन कर्मचारियों को अधिकार दिया है कि इसके तहत कर्मचारी अपने दुख दर्द को अफसरों तक पहुंचा सकें, पब्लिक तक पहुंचा सकें। तो क्या ये टर्म एंड कंडीशन कि आप यूनियन ज्वाइन करोगे तो नौकरी से टर्मिनेट कर देंगे, 3 दिन से ज़्यादा छुट्टी लिए तो टर्मिनेट कर देंगे? इसमें बहुत ऐसे कंडीशन है जो आउट ऑफ वे और रूल के खिलाफ हैं। तो LC साहब से कल मीटिंग हो गई है और मंडे को हम फिर जा रहे हैं, तो LC साहब ने जरूर एतराज़ किया है। इस पर मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा, अपने नवीन शर्मा जी का जो लेबर का असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है सेक्टर 30 में, उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया, डायरेक्टर साहब को फ़ोन भी किया है कि ये जो आउट ऑफ वे इसमें रूल रेगुलेशन लगाए गए उसको काटे जाए और कर्मचारियों के ऊपर जो ये अत्याचार, ठेकेदार आते ही अभी आया ही है नया नया ठेकेदार और अभी से इतने टर्म एंड कंडीशन, तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये टर्म एंड कंडीशन इस तरीके का ठेकेदार करता है। कितना टाइम हुआ है इन जो नए ठेकेदार आए हैं आप जिसके बारे में बात? अभी 1 हफ्ते 10 दिन हुआ है और आते ही वो इस तरीके का टर्म एंड कंडीशन शुरू कर दिया, तो मुझे इसीलिए चिंता हुई इस परिवार का कि इनके पीछे पूरा परिवार है, इनकी नौकरी में खतरे में रहेगी और ये अगर इस तरीके का सदिद्दत अभी से शुरू कर दिया तो ये पूरा साल इसका ठेका है, ये तो 12 साल में इनको बहुत तंग करेगा और परेशान करेगा। तो इसके ऊपर मेरी विनती है आला अधिकारी जो हमारे CTU के हैं कि ये आपके कर्मचारी हैं, आप जैसे ये शहर के लोगों की सुरक्षा करते आए हैं, दिन रात ये बस चलाकर शहर वालों की सेवा कर रहे हैं, उस तरीके आपकी भी जो जिम्मेदारी है, आपका जो आप सीट पे बैठकर इन कर्मचारियों के लिए सरकार ने बैठाया है, इनके लिए भी 10% अपना काम करें और ऐसे ठेकेदारों के ऊपर ज़रूर सख्ती करें ताकि ये किसी तरीके का अत्याचार कर्मचारियों के ऊपर ना कर सके, ना ही इनका कोई राइट लेके भाग सके। जैसे पहले कई ठेकेदार हैं चंडीगढ़ में हमारे अधीन जो फेडरेशन के अधीन काम कर रहे हैं, 150 ठेकेदार हैं, मुझे लगता है कि कई ठेकेदार ऐसे जो ब्लैक लिस्ट कर दिए गए, कई ठेकेदार ऐसे कि 70 लाख रुपये कर्मचारियों को PF खा के भाग गए थे, वो हमें कोर्ट के राही निकलवाना पड़ा। तो ये ऐसा ना हो, अगर कर्मचारी हमारे ईमानदारी से काम करें तो अफसरों को भी मुझे चाहिए कि ईमानदारी से काम करते हुए इनका जो राइट है वो इनको दिलवाएं।